क्या आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है? जैसे एक साल में 8 से कम पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, या पीरियड्स टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या बस स्पॉट आते हैं, फेशियल हेयर की ग्रोथ हो रही है, एक्ने हो रहे हैं, वेट बढ़ तो बहुत जल्दी रहा है पर कम नहीं हो रहा है, कमर के आसपास के हिस्से में फैट बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये PCOD या PCOS के लक्षण हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर, जहाँ पर हम आपको सभी तरह की दवाइयों व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विस्तार से देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं PCOS या PCOD के बारे में। दोस्तों, PCOS या PCOD सिमिलर चीज़ ही है। PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें कि आपको एक प्रॉब्लम जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होना आदि रहती है, और PCOS में जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है इसे। इसमें मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम आपको होती हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ और उसके साथ साथ वेट गेन होना भी। दोस्तों, PCOS या PCOD एक कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर 20 से 40 एज वाली औरतों में होता है, जिसमें से 70% औरतों को तो ये पता भी नहीं होता कि उन्हें PCOD या PCOS की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। सबसे पहला इसका जो कारण होता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। दोस्तों, हमारी ओवरी में मेल व फीमेल दोनों ही हार्मोन्स बनते हैं। जब PCOS की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ जाता है, SHBG यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाता है। इन वजह से हमारी ओवरी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है और एग प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और कंसीव करने में परेशानी होती है। दूसरा जो कारण है वो एक जेनेटिक कारण हो सकता है। दोस्तों, यदि फैमिली में से किसी को PCOD या PCOS की प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंट होना। दोस्तों, हमारे शरीर में इंसुलिन जो है वो शुगर को डाइजेस्ट कर बैलेंस करता है। PCOS में इंसुलिन क्वालिटी ख़राब हो जाती है और PCOS पेशेंट को उतनी ही शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, यही वेट गेन का कारण बनता है। दोस्तों, PCOS या PCOD को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि पीरियड्स के सेकेंड डे खाली पेट आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि TSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, GTT आदि। यदि फेशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराया जाता है। यदि ओवरी की सिस्ट का साइज या डेंसिटी देखने के लिए USG एब्डोमन या फिर TVS भी करवा सकते हैं। बात करते हैं अब इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, PCOS या PCOD को आप अपने थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करके या फिर हेल्दी डाइट को लेके घरेलू तरीके से आसानी से क्योर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले इसके घरेलू तरीकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस की। PCOS में वेट लॉस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। PCOS में यदि आप वेट लॉस करते हैं तो इंसुलिन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, जिससे कि हार्मोन इम्प्रूव होंगे और एग का फॉर्मेशन भी होने लगेगा। दूसरा है हेल्दी डाइट को फॉलो करें। दोस्तों, अपने खाने से आप शुगर को बिल्कुल हटा दें। वो सभी चीज़ें अवॉइड करें जिनमें शुगर होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जागरी, हनी आदि। मैदा अवॉइड करें, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि ये सब ना खाएं। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाली चीज़ें कम खाएं, जैसे कि आलू, चावल आदि। चाय और कॉफ़ी को भी कम पिएं। प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि चना, राजमा, दालें, अंडा, दूध आदि। तीसरा है एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से इंसुलिन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और इंसुलिन रेसिस्टेंट कम होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेली 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें और रेगुलर बेस पे करें। आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे योगा, एरोबिक्स, जिम, रनिंग, वॉक, कुछ भी आप कर सकते हैं। चौथा है टाइम से सोएं। दोस्तों, आपको कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी होती है। टाइम से खाना खाएं और स्ट्रेस कम लें। दोस्तों, ये तो थे कुछ घरेलू तरीके। अब बात करते हैं PCOS या PCOD में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इरेगुलर पीरियड्स की।
दोस्तों जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए वो 3 महीने का कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स का कोर्स करवाते हैं, जिससे कि हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। वेट लॉस के लिए मेटफॉर्मिन 500 mg दिन में 2 या 3 बार डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके साथ ही मायोइनोसिटॉल की टैबलेट भी प्रेस्क्राइब की जाती है। एक्ने या हेयर ग्रोथ के लिए एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि स्पायरोनोलैक्टोन। दोस्तों यदि प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें डॉक्टर हमें टैबलेट लेट्राजोल देते हैं, जो कि एग के फॉर्मेशन को इम्प्रूव करती है और कंसीव करने में हेल्प करती है। दोस्तों इसे पीरियड्स के 2nd या 3rd डे से स्टार्ट किया जाता है और 5 दिन तक इसे लिया जाता है। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी PCOD या PCOS के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। ऐसी ही जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।